मैं अच्युत आज एक बड़े महान जनवादी कवि का अदम गोंडवी साहब का जन्म दिवस है, उस अवसर पर ये सोचा कि आपसे रूबरू हूँ और उस अजीम शख्सियत को हम समझें अच्छे से। अदम गोंडवी साहब दरअसल वो सर्वहारा के प्रतिनिधि थे पूरे तरीके से। वो खुद एक किसान थे सामान्य, और लेकिन जो उनकी संवेदनशीलता थी वो सारे उसके अपने परिवेश को अच्छे से समझते थे, और उनका जो विषय रहा, उनका जो सबसे बड़ा जो आक्रोश था वो जो व्यवस्थाजन्य सामंतवाद पूंजीवाद और उससे उपजी वो जो आम आदमी जो मेहनतकश ग्रामीण देहाती उनके जीवन के जो वंचनाएं विद्रूप वो उनका विषय वो था। और उन्होंने उस के पीछे जो कारण था छल राजनीति असली, उस राजनीति को लक्ष्य किया, उस राजनीति पे सामाजिक व्यवस्था पे धार्मिक पाखंड पे उन्होंने तो अपने विषयों को जो बनाया, अपना विषय अपने काव्य का वो उसको बनाया। शुरू में काफ़ी वो जैसा हमेशा से रहा है, जितने भी जनवादी शायर या कवि हुए हैं या लेखक हुए हैं, वो जो व्यवस्था है रही हैं आज़ादी के बाद से, उसको वो हमेशा उन्हें नकारती रही है या पर्दे के पीछे करती रही है। जो साहित्य जगत की जो वो है नूरा कुश्ती और गिरोहबंदी, उसका भी प्रभाव और शिकार वो इस तरह के सभी शायर हुए हैं, वो भी हुए। लेकिन अदम गोंडवी एक ऐसी शख्सियत हैं कि जिन्होंने बेलौस और बेबाक तरीके से सारी ही चीज़ों पे, चाहे वो धार्मिक पाखंड हो या राजनीतिक धूर्ताएं हैं या सामाजिक और सामंती जो कुत्सित प्रवृत्तियां हैं, उन पे बहुत खुल के और बेबाक और बेलौस तरीके से बात की और खुद अपनी तैयार की उन्होंने मान्यता के लिए किसी ग्रुप से या सरकार से, उनसे किसी तरह का अनुरोध उन्होंने कभी नहीं किया, लेकिन उनकी प्रतिभा को एक लोक से, जगत से, साहित्य जगत से एक जबरदस्त मान्यता मिली। ये उनकी विशिष्ट पहचान है। वैचारिक रूप से वो साम्यवादी थे, वो उसे उन्होंने अपना विषय बनाया। आज 18 अक्टूबर 1948 को गोंडा का एक गांव है छोटा सा आटा, वहाँ उनका जन्म हुआ। वो एक किसान थे छोटे से और बिल्कुल बहुत सादगी पसंद थे। जब उनकी बात में, उनके काव्य में जब लोक रुझान हुआ पैदा, तो वो खुद उसी के बूते पे, जनता की मांग पे वो मुशायरों में उनको आमंत्रित किए जाने लगा और उनकी शायरी को मान्यता मिली। हालांकि साहित्यिक जो पैमाने हैं, जो उनके जो एकेडमिशियंस के, उस पे तो वो खरे नहीं उतरते, लेकिन उनके बारे में एक बार फिराक गोरखपुरी ने कहा कि जब वो का सवाल अदम गोंडवी को उन फिर हलकों से आते थे, तो कहा कि आबादी का जो पढ़ा लिखा आदमी है वो तो उसको तो छोड़ दो, जो बेपढ़ा आम आदमी है, किसान और मजदूर है, वो भी उर्दू फारसी अरबी समझता है और इस्तेमाल करता है और बोलता है, तो ये भाषा आशा की बात सारी बेमानी है, उनकी भाषा है। तो मध्य प्रदेश सरकार ने पुरस्कार से सम्मानित किया।
शहीद शोध संस्थान अवध ने माटी रतन सम्मान से और वो गोंडा में वो अस्पताल लखनऊ आंतों की बीमारी थी पेट से संबंधित तो उसमें दिवंगत हुए, तो तत्कालीन जो वो था डीएम राम बहादुर सिंह गोंडा के, उन्होंने पद्म विभूषण के लिए उनके नाम की संस्तुति की थी, लेकिन वो अभी तक लंबित है। वो सब उस साहित्य जगत की वो जो तथाकथित साहित्यिक गिरोह हैं उनकी उस लॉबिंग और जो जो सत्ताओं का एक तरीके से विरोध, वो उसका शिकार हुए, तो वो पद्म विभूषण को आज तक कभी किसी दिया गया वो, लेकिन जनता ने उनको अपने सिर माथे लिया क्योंकि वो उन्होंने उनकी बहुत अच्छे तरीके से किया, बहुत सहज सरल भाषा में उन्होंने वो बातें उनकी रखी। उस वो जो साहित्य जगत में उन पे वो हुए जो खेमेबंदी में और वो उखाड़ पछाड़ जो होती हैं, तो उसमें उन्होंने जो तथाकथित साहित्य के आलोचक और प्रबुद्ध वर्ग उन पे भी टिप्पणियाँ काफ़ी तीखी थी, उन्हें भी किसी को बख्शा नहीं उन्होंने, ये उनकी खूबी थी। वो बिल्कुल बेलौस उनकी होती थी, वो बिना किसी झिझक बिना किसी उसके वो सीधी बात जिसे कहते कहनी होती थी वो कहते थे। वो अदीबों को साहित्यकारों को ललकारते, भूख के एहसास को शेरो सुखन तक ले चलो या अदब की मुफलिस या अदब को मुफलिसों की अंजुमन तक ले चलो। जो गजल माशूक के उसको अब बेवा के माथे की शिकन तक ले चलो। उनका एक ये वो जो उनके मन में जो सवाल थे जो उसको लेकर असमानता को और पूंजीवादी लूट को, तो उसके लिखी है ये बड़ी जबरदस्त मुझे अच्छी लगती है। अमीरों फिर कहां से बीच में मंदिरों मस्जिद जिनके चेहरे पर लिखी खेल ना सुनना वो सच कहना जिन्हें भाता नहीं, कुर्सियों पर फिर वही बापू के बंदर आ गए थे नजर, आजकल बाजार में उनके कैलेंडर आ गए। तो यानी अदम गोंडवी जो आम मेहनत कश वर्ग है, जो पूरा फिर ये हुआ उस तथाकथित आजादी के बाद सामंती प्रभाव में जो परिवेश साहित्य का समाज का उस वो बहुत ज्यादा खफा थे, तो उन्होंने उन मेहनत कश वर्गों का एक आम आदमी का उस सर्वहारा हम सफर बने ये की शायरी सिर्फ निराश या हताश या बढ़ नहीं करती उनकी स्थिति, वो उनमें ऊर्जा और उत्साह से भर देती है, उनमें वो
उन लाचारगी नहीं पैदा करती है, उनके अंदर एक प्रतिरोध का जज्बा, एक आक्रोश भर देती है जिससे कि वो अपने अधिकारों के संघर्ष में आगे बढ़े। तो ये है उनकी, यो तमाम सारी नज़में हैं उनके, जो वैचारिक जो उनकी सोच था उसके लिए, उसको समझने के लिए मैं उनकी एक पूरी नज़्म पढ़ना चाहूँगा। थोड़ा है लंबी, लेकिन आप उसको समझेंगे कि वो आखिर उनका दृष्टिकोण क्या था, उनके दृष्टिकोण को समझने में मिलेगी। परिधि में टांक दूं, प्रेयसी के सौम्य मुखी छवि गजल में आंख दूं, उष्ण चुम्बन की महक को काव्य में मैं घोल दूं, रूप हो जाए व्रत वह दरीचा खोल दूं, ले चलूं विरह कातिर गोपियों के पर्व में, या नई पीढ़ी के इस रोमांटिक संदर्भ में, शब्द में उतारूं मूर्तिवत श्रृंगार को, व्यक्त कर दूं भास कालिदास के संसार को, किंतु मेरे परिवेश भुखमरी की धूप में संतप्त है, धर्म शासन तंत्र उनके साथ है, निर्धनों के पास पूंजी उसका अपना हाथ है। अब देखिए, जो की तो जस की तस बनी हुई है, बल्कि और दुर्गति इस नए राजनीतिक परिवर्तन के साथ उस मेहनत कष्ट वर्ग की हुई है, तो वो उस सर्वहारा का की जो पीड़ाएं हैं उनको जगाते हैं। इसलिए मजहब ढोंग है, अब शाप अपने समझौता है यहां से चाह से, किंतु क्या साहस है, निर्धनों की पूरी शासन तंत्र उनके साथ है, निर्धनों के पास का अपना हाथ है, सदग्रंथ में आया पाप है, इसलिए शाप है। हर युवक संयोग आता उसी उत्साह से चाहता है कि वो अपना घर हो, अपना गांव हो, के मुक्त कुंतल की घनेरी छांव हो, वह दिवस भर श्रम करे लौटे लिए थन तन की थकन, हो बिछे स्वागत में देहली पर सजन भोले नयन, हाय रे दुर्भाग्य सपने क्षार हो जाते यहाँ, भूखमरी में फूल भी अंगार हो जाते यहाँ, व्यवस्था जीवन चषक में घोल देती है गरल, ध्वस्त हो जाता है पल में कल्पनाओं का महल, डगमगाती नाव उसकी सृष्टि के तूफान पर, हो विफल वे दोष मरता भाग्य के भगवान पर, आधी आबादी जहां पर भूख से बेहाल हो, आम जनता त्रस्त हो विक्षुब्ध हो कंगाल हो, वह भला नैतिक बने यह स्वप्न संभव बात है, कैसे जुगनू से प्रकाशित हो अमा की रात है, शिखर पर यूं यहां आरूढ़ हैं दृष्टि में उनके जो निर्जन हैं, वह स्वयं श्रम से पृथक पर बलवान है, संख्या में हैं मगर छल से बलवान हैं, खेलते हैं ये कली से फूल की मुस्कान से, छीनते हैं दूसरों के जातिगत अभिमान से, निर्धनों में क्रांति का विस्फोट हो पाए नहीं, आम लोगों में उजागर खोट हो पाए नहीं, गढ़ दिया दर्शन जो इस जन्म में बेहाल है, भूखमरी की धूप में संतप्त है, संयम से रहे परलोक में सुख पाएंगे, हो गए पथभ्रष्ट तो सीधे नरक में जाएंगे। वो जो धार्मिक पाखंड व्याख्या ये भ्रम में रखने का अनोखा, देश का हर गांव है यह तुम्हारा धर्म, यह जन्मांतर की कल्पना, का शरीर देवता की अर्चना, आज फिर उठ रहा तो अज्ञान से, वह तुम्हारा ईश भी संत्रास है विज्ञान से, वह तुम्हारा ईश भी संत्रस्त है विज्ञान से,
एक नया युग बोध देती, तलखियां एहसास कदम पर टूटती है, तट पे नदियों पे बनी अमराइयों की छाओं में विश्व में आइए इस तथ्य पर हम आत्म आलोचन करें, गलियों का अवलोकन करें, सामने ऊंचा उठाए गर्व से है खड़ा चांद निकले यामिनी के गर्व से, यह जो बुढ़ा दे घाघ है इस गांव का छल से धनार्जन ब्याज लेकर कर रहा शोषण समझ लो चोर है, साधुता तो एक मुखौटा है ये आदम ये दिखावे के लिए का भक्त है जिसका ईश्वर खनक पर ये है अपने दांव में, कितने घर उजड़े हैं इसकी साधुता की छाव में, कृष्ण को बंधुआ बनाकर साथ में, कितनी द्रौपदियों का लज्जा वस्त्र इसके हाथ में, कितने दुश्मन दुशासन हैं अपने गांव के इस देश में, भेड़िए हैं राज करते खून अपनों का बहा तब हमको आजादी मिली, मजहबी दंगे विरासत में वो बर्बादी मिली, कोठियों से झोंपड़ी के बीच की ये दूरियां, भुखमरी से जूझते इंसान की मजबूरियां, क्या कोई चारा नहीं हम ये खाई पाट दें, व्यक्ति की पीड़ा समूहों में उठाकर बांट दें। तो अदम गोंडवी का पूरा साहित्य वो जो सर्वहारा की व्यथा है, जो उसका शोषण है, जो उसकी पीड़ा है, उसके प्रति संवेदना, वो जो प्रेमचंद का होरी है और धनिया है, वो जो आम आदमी मेहनतकश और ये जो पूंजीवादी व्यवस्था का शोषण, आज तो हम जिस दौर में हैं वो और भी उससे कई गुना आगे बढ़ गया, तो ये आज इसलिए वो और ज़्यादा प्रासंगिक हो जाते हैं आज के परिवेश में कि हम अदम गोंडवी को देखें, उनकी बात सुने, क्योंकि वो जो अत्याचार का शोषण का प्रतिरोध जरूरी है, उनकी शायरी उस शोषण के प्रति प्रतिरोध खड़ा करने का मंत्र है पूरा का पूरा। खुद जहां तक अदम गोंडवी साहब का था तो बहुत सीधे साधे, उनका सबसे बड़ी जो चीज थी सादगी, वो बिल्कुल वही खेती हर किसान के लिबास में सीधे सादगी, बिना प्रेस के कुर्ता धोती पजामा अपना सीधे, और बात तीखी, यानी लोग उनसे जब आते थे तो उन्हें देख के चेमेगोइयाँ होने लगती थी, जब वो मंच पे होते थे तो उस तरह के लोग बोले वही जिस तरह के वो तथाकथित शिक्षित वर्ग और शिक्षित वर्ग और तथाकथित साहित्यकार जो इधर उधर की खाली की उसमें वो रहते हैं बिला वजह के अपने हुस्न और इश्क की और फूल और पत्तियों की कविताओं में, और जो एक तरीके से बंडल साहित्य जिसे कहते हैं उसमें लगे हुए, वो उन चीज़ों को देने के लिए, तो वो उस आदमी की हिम्मत थी, ये उनका जज्बा था, ये उनकी बात का प्रभाव था उनकी शायरी का, कि लोग उसको सुनते थे और उनके साथ खड़े होते थे। वो कहते हैं, उनकी एक नज्म है छोटी सी, ये जुल्म के एहसास को तेज तर रखिए मुसलसल, जुल्म के एहसास को भूल जाए आदमी चंगेज के इतिहास को, आने वाली नस्ल को सौगात देने के लिए लो सजा शोकेस में इंसानियत की लाश को, मुफलिसों की भीड़ को गोली चलाकर भून दो, दो कुचल बूटों से औसत आदमी की प्यास को, मजहबी दंगों को भड़काकर मसीहाई करो। यही होता रहा है ना, पूरे सियासतदान हमारे वो किसी भी रंग के हों, किसी भी ढंग के हों, जो पूंजीवाद और इसके सामंतवाद के समर्थक, उनका यही तो तरीकाकार रहा है शासन और सत्ता चलाने का, मजहबी दंगों को भड़काकर मसीहाई करो, हर कदम पर तोड़ दो इंसान के विश्वास को, एक अदद नारा उछालो आम जनता की तरफ, कैद कर लो ड्राइंग रूम में अपने मधुमास को।
तो वो तीखे सीधे मार करते हैं और पूरी व्यवस्था पे, उसके हर ढंग पे, धर्म पे, समाज के जो वो हैं विद्रूप और रोड़ियाँ और वाहियातियाँ, तो इस माने में वो आम आदमी के, आम आदमी को के दुखों को समझने वाले, उनके प्रति बहुत बेहद संवेदनशील हैं और हमेशा ललक ये रहती है कि वो कैसे उनको एक इस प्रतिरोध को एकजुट करके खड़ा किया जाए। और ये जो उसका जो सत्ता पे सीधा उनका प्रभाव है तो, लेकिन जो हमारी संसदें हैं और विधान, उन पे आप देखिए सीधा काजू भुने प्लेट में, विस्की ग्लास में उतरा है रामराज विधायक निवास में। पक्के समाजवादी हैं, तस्कर हो या डकैत, इतना असर है खादी के उजले लिबास में। आजादी का ये जश्न मनाएं वो किस तरह, जो आ गए फुटपाथ पर घर की तलाश में। पैसे से आप चाहें तो सरकार गिरा दें, संसद बदल गई है यहाँ के नकाश में। जनता के पास एक ही चारा है बगावत, यह कह रहा हूं मैं पूरे होशो हवास में। तो वो एक जनक्रांति के प्रति आश्वस्त और उसके निर्माण के लिए समर्पित जनकवि थे। ये आदमगोंडवी की सबसे बड़ी विशिष्टता है। अभी जो आज आप देखिए, चाहे उन्नाव हो, हाथरस हो, कश्मीर हो, जिस तरीके से महिलाओं के प्रति जो अपराध हैं, वो कितना विकृत मानसिकता जो इन सत्ताओं की है, उसका एक खाका है, उनकी नज्म है, सब कुछ खुला, जिस्म क्या है, रूह तक सब कुछ खुलासा देखिए। आप भी भीड़ में घुसकर तमाशा देखिए। जो बदल सकती है दुनिया के मौसम का मिजाज, उस युवा पीढ़ी के चेहरे की हताशा देखिए। यानी उनका विषय वो जो हताश युवा पीढ़ी है, जो कुंठित युवा पीढ़ी है, वो भी है। जो बदल सकती है इस दुनिया के मौसम का मिजाज, उस युवा पीढ़ी के चेहरे की हताशा देखिए। जल रहा है देश, ये बहला रही है कौम को, किस तरह अश्लील है संसद की भाषा देखिए। मत्स्य गंदा फिर कोई होगी किसी ऋषि का शिकार, दूर तक फैला हुआ गहरा कुहासा देखिए। तो वो कुहासा जो उन्होंने उस दौर में देख लिया, वो और कुहासा लगातार